चाहे बच्चन हो या अभिषेक बच्चन, अपनी फैमिली के बारे में बात करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं ये दोनों। और अपनी फैमिली से ये दोनों कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। आज हम ऐश्वर्या और अभिषेक के घर परिवार के ही ऐसे ही कुछ राज खोलने वाले हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक शादी के इतने सालों में कभी भी जलसा को छोड़कर नहीं गए। ऐश्वर्या अभिषेक शादी के इतने सालों बाद भी अपने परिवार से अलग नहीं हुए, अपने पेरेंट्स से अभिषेक अलग नहीं हुए, तो ऐश्वर्या को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा क्यों था? क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन ने कभी भी बच्चन परिवार को नहीं छोड़ा और क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन को बच्चन परिवार को छोड़ने में कोई आपत्ति कभी नहीं थी? और दो ससुराल वालों के बीच रहकर ऐश्वर्या हमेशा खुश रही, इन सब पर ऐश्वर्या ने एक शो में बताया था। 20 अप्रैल को इनका एनिवर्सरी मनाया गया, तो 14th एनिवर्सरी मनाकर ऐश्वर्या जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को मिसाल बना रही हैं, उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने परिवार के बारे में सासरे का मान सम्मान रखते हुए इंडिया का नाम रोशन करते हुए कहा, कब ये राज खोले हैं, देखिए इसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट को। आए दिन ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टेटमेंट्स की बात होती है। आए दिन ऐश्वर्या राय बच्चन के अपने फैमिली को लेकर अपने स्टेटमेंट्स की जो बात होती है उस पर काफ़ी चर्चा होती है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो हमेशा से अपनी बात दिल खुल कर करती आई है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने ओपरा विनफ्रे शो में अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ कैसे विंस ले किए थे, यानी कि कितना ज़्यादा अलग तरीके से एग्जांपल सेट किया था? जी हाँ, 14th की यूनिवर्सरी रही तब भी उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और ये इसमें आपको बता दें कि जो दोनों परिवार के साथ रहने का फैसला ले चुके थे ऐश्वर्या अभिषेक, इस पर उन्होंने जवाब दिया था, एक्सप्लेन किया था। शादी के रिचुअल्स पर इन्होंने खुलकर बात की थी, प्रतीक्षा में इनकी शादी हुई इस पर भी उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी थी। अभिषेक ने बताया था ऐश्वर्या से शादी के समय का सच, कहा था आवर वेडिंग्स गो ऑन फॉर अ वीक और 10 डेज with different rituals taking place in morning and evenings. Then we take 7 rounds around the ceremonial fire and take 7 vows. यानी कि 7 फेरे हम लेते हैं मंडप पर 10 दिन की शादी के रस्मों को पूरा करने के बाद। ओपरा ने इस पर सवाल किए थे, इट वुड बी हार्ड टू गेट डाइवोर्स आफ्टर दैट। यह सवाल सुनते ही ऐश्वर्या ने लोगों की बोलती बंद कर दी और होस्ट को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वी डोंट इवन ट्राई एंड एंटरटेन द थॉट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये कहा और इसी को सुनने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गए। हम आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में खास तौर पर कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ऐश्वर्या राय बच्चन इसे लेकर रही थी। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, बहुत नॉर्मल रहा है, बहुत नेचुरल रहा है हमारा परिवार के साथ खुश रहना। सवाल किया गया था फैमिली के साथ शादी के बाद रहने पर, सास ससुर के घर पर रहने पर, तो आपको इस पर भी हम आपको जवाब देना चाहें। सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आपको इसका जवाब देना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कई बातें इसके बारे में। बताते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन के परिवार में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नज़र आए थे अपने परिवार के बारे में बात करते हुए। फैमिली के साथ रहना कोई मजबूरी नहीं, अपनी मर्जी, अपने सुकून की बात होती है। वल ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन को जवाब देना था इन सब पर। और आपको बताना चाहेंगे इस पर कई तरह की बातें भी सामने आई थी, और इस पर जब अभिषेक ने जवाब दिया था लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गए थे सितारे। और तब ऐश्वर्या और अभिषेक ने इस पर जवाब देकर हर किसी को दीवाना बना दिया था कि पेरेंट्स के साथ रहना क्या होता है। दरअसल होस्ट ने पूछा, डू यू लिव विथ योर फैमिली, हाउ डज दैट वर्क। ये जब पूछा गया कि अपने माँ बाप के साथ कैसे डील करते हो, ऐश्वर्या अपने सास ससुर के साथ कैसे डील करती है, कैसे रिश्ता निभा रहे हैं ये इतने सालों से एक ही घर पर रहकर, तो अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस पर जवाब भी दिए थे। इम्प्रेस किया ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पति के साथ क्लेवर रिप्लाई से। उन्होंने कहा,
इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल टू अस, कोई बड़ी बात नहीं, हम हमेशा परिवार के साथ रहे हैं तो परिवार के साथ रहने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्यों होगी दिक्कत जब हम पारिवारिक हैं। अभिषेक ने इस पर कहा, माई फादर लिव विथ हिज पेरेंट्स, आई लिव विथ माई पेरेंट्स। अभिषेक ने कहा, जब मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के साथ रहते आए तो मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने में क्या दिक्कत होगी। आगे भी क्वेश्चन पूछा गया, डज दैट मीन यू हैव योर मील्स टुगेदर और यू आर इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड योर पेरेंट्स इन अनदर। यानी कि पूछा गया अभिषेक और ऐश्वर्या से, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप दोनों अपने परिवार वालों के बीच एक साथ खाना खाते हो या फिर अलग अलग कॉर्नर पर बैठ कर खाना खाते हो। तो बिग बुल एक्टर अभिषेक बच्चन ने कहा, मेरी माँ घर पर एक रूल बना रखी है जिसे हर कोई फॉलो करता है। अगर हम एक ही शहर में हैं तो हमें दिन का एक मील तो साथ में करना ही है। इस मील के रूल को फॉलो करते हुए हमेशा से ये नज़र आए और इसमें कोई तकलीफ हमें नहीं है। भाई अक्षर प्रेम के एक सेट पर ऐश्वर्या अभिषेक मिले और ये प्यार ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। अभिषेक ने कई बातें शेयर की और ऐश्वर्या से भी क्वेश्चन किया गया, हर तरह का जवाब मिला। उन्होंने कहा, आई वॉज फिल्मिंग इन न्यूयॉर्क फॉर अ मूवी एंड आई यूज टू स्टैंड ऑन द बालकनी ऑफ माई होटल रूम एंड विश दैट वन डे इट वुड बी नाइस इफ आई वॉज टूगेदर विथ हर मैरिड। अभिषेक के थे ये सपने और ये सपना पूरा किया ऐश्वर्या ने और सेम बालकनी में ले जाकर प्रपोज किया था ऐश्वर्या को अभिषेक बच्चन ने। और ऐश्वर्या ने कहा, इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी रियल एट द सेम टाइम। ये सुनकर वहाँ के दर्शक काफी खुश हुए थे, ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते की ये खूबसूरत कहानी। तो दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन परिवार क्यों आखिर इंस्पिरेशन है बाकियों के लिए, ये आपने जाना। क्यों आखिर बच्चन परिवार को बाकियों से हमेशा अलग माना गया, क्यों आखिर बच्चन परिवार बाकी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से हटकर अपने पारिवारिक रिश्तों की वजह से हमेशा तारीफों में रहा है, आज के हमारे शो स्टार लाइफ में हमने आपको इसके बारे में पूरी अपडेट दी है। अब वक्त हो चला है आपसे दोस्तों यहीं पर इजाजत लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, इंडस्ट्री से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहें हमारे खास चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज की तमाम खास खबरें। और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए फटाफट हर अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइबर बने, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। नमस्कार।